साथ कौन है जी? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी जी, कौन साहब, कहाँ से? सर जी, मैं गुलखान बोल रहा हूँ, दीर लवेर से। जी, आप प्राइम मिनिस्टर साहब से क्या बात करेंगे? मोहतरम वज़ीर आज़म साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम सलाम। उम्मीद है आपकी सेहत ठीक होगी। सर जी, मैंने आपकी पार्टी को वोट भी दिया था, हमने आपको चंदा भी दिया था, और मैं खसूसी तौर पर सऊदी अरब से आया था आपके वोट देने के लिए। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है सब कुछ। मैंने आपको शुक्रिया अदा करने के लिए फ़ोन किया था कि आपने जिस तरह आवाम से वादा किया था 1 करोड़ नौकरियां देने के लिए, तो माशाल्लाह सब लोगों को रोज़गार मिल गए हैं, सब लोग खुश हैं, कोई भी रोज़गार नहीं है पाकिस्तान में, बल्कि बाहर से चाइना से, कोरिया से और अमेरिका से बंदे आ रहे हैं। स्वात एयरपोर्ट पे सऊदीया से मजदूर आए थे, उनकी भी एक जहाज लैंड कर गई थी। और दूसरी बात यह है कि आपने घर बनाने का वादा किया था 50 लाख घर बनाने का, वो भी पूरा हो रहा है। और पाकिस्तान में जो हमारे पुराने घर है अब वो खाली पड़े हैं, हम किसी को किराए पे देंगे और नए घरों में शिफ्ट हो गए हैं। इस बात पर आपको खराज तहसीन पेश करते हैं। हमारे सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत खुश हैं और टिकट भी सस्ते हो गए हैं और बिजली तो बिल्कुल मुफ्त अभी मिल रही है, पेट्रोल की कीमत ही भी रोज़ बरोज़ गिर रहे हैं, और पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, बाहर ममालक में पाकिस्तान की इज्जत वो बढ़ रही है आपकी कोशिशों की वजह से। इंशाल्लाह पाकिस्तान अभी स्विट्ज़रलैंड से आगे जा रहा है। सर जी, दूसरी बात ये है कि आपने जो मुर्गियां हमें भिजवाई थी उन मुर्गियों ने माशाल्लाह अंडे शुरू किए हैं, और बाज़ मुर्गियां तो खुशी की हमारे दिन में दो दो दफ़ा अंडे दे रहे हैं। और जो डैम्स 350 डैम बन गए हैं और एग्रीकल्चर ने तरक्की की है, लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। और जो तुलबा है, मरीज़ है, असातिज़ा कराम है, सब आपको दुआएं दे रहे हैं, और इंशाल्लाह आप मज़ीद तरक्की करेंगे पाकिस्तानी कौम के लिए। इंशाल्लाह अब हमने सुना है कि आप चांद पर भी कोई मिशन भेज रहे हैं और वहाँ पे कॉलोनियाँ बनाएंगे पाकिस्तानियों के, और आपके पॉलिसीज़ की वजह से महंगाई तो बिल्कुल कम हो गई है, लोगों को तो आटा और चीनी और घी वो बिल्कुल मुफ्त मिल रहा है, और कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अल्लाह आपको खुश रखे।